हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके हर श्रृंगार में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसके लिए क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो मेरे भी हर श्रृंगार में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ ऐसा किया जिससे देखिए आज इसमें ब्लूमिंग भी हुई है। और ये इसका दूसरा या तीसरा फ्लावर है, कई फ्लावर खिल भी चुके हैं। तो एक्चुअली सुबह जब मैं आती थी झड़ चुके होते थे, तो अभी ये लगा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूं। तो पहली चीज़ तो आप अपने हर श्रृंगार के प्लांट में पानी बहुत कम दीजिए, क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और इसकी जो मिट्टी लीजिए बिल्कुल वेल ड्रेन लीजिए, वन पार्ट आपका गार्डन सॉइल, वन पार्ट रेत और वन पार्ट आपका कोई भी कंपोस्ट, और उसमें नीम खली ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। इसकी मिट्टी ऐसी बनानी है कि भुरभुरी हो, पानी ना रुके। पॉट का सिलेक्शन ऐसा करिए, इसके लिए थोड़ा बड़ा ही पॉट लीजिए, जैसे कि मैंने इसे 15 इंच के पॉट में लगा रखा है। तो क्योंकि ये प्लांट थोड़े बड़े होते हैं तो इनको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, और उसमें ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए ताकि इसमें जो एक्सेस पानी है रुके नहीं, निकलता रहे, तो उससे आपका पेड़ ख़राब नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इसमें आप हफ्ते में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, और नीम खली का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या आपका जो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बनता है लिक्विड, वो भी दे सकते हैं। और अगर वो आपको बनाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अभी देखिए इसमें खूब सारी बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी देखिए इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई सी नज़र आ रही है, लेकिन ये अंदर से मॉइस्ट है क्योंकि इसमें मैंने कोकोपीट ऐड कर रखा है। और आप भी ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसकी मिट्टी को दो इंच की मिट्टी को खोद के निकाल दीजिए और इसमें थोड़ी धूप लगने दीजिए, और उसके बाद में उस जितनी मिट्टी 2 इंच की आपने खोद के निकाली है उसमें आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट, और अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट है तो काउडंग कंपोस्ट डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के उसको ढक दें। और इसमें कम से कम 8 से 10 दाने, आपका जितने इंच का पॉट हो उतने दाने आप DAP के लेके डाल सकती हैं, और आप यकीन मानिए 15 दिनों के अंदर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।